बेटी की शादी पक्की हो गई है। बेटी की शादी क्या पक्की हुई, डेट क्या पता चली, बस सबके लिए बनाया बढ़िया सा खाना जो सबका पसंदीदा है घर में, और खुशी इतनी कि जो संभाले ना संभले। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। तो खुशखबरी तो इतनी बड़ी है कि इत्मीनान से आपसे उसके बारे में बात करूंगी थोड़ी देर के बाद। फ़िलहाल यहाँ बनाने लगी हूँ पनीर टिक्का मसाला। तो सबसे पहले मैंने एक कटोरी दही डाली है और 2 से 3 चम्मच भुना हुआ बेसन डाला है, हल्दी धनिया मिर्ची पाउडर और 1 चम्मच भर के मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डाला है, 1 टीस्पून जीरा पाउडर डाला है, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है, 1 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है और ये गरम सरसों का तेल है जिसको थोड़ा थोड़ा करके मैं इसी मसाले में डाल रही हूँ। बस तेल को डालने के बाद में इसको अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर रही हूँ और जो पनीर को मैंने कट किया है, शिमला मिर्ची कट किया है और प्याज को भी मैंने काटा है, तो उसके जो पेटल्स होते हैं वो मैंने निकाल लिए हैं, जैसे कि पनीर टिक्का में होता ही है। अब आप चाहें तो सिर्फ और सिर्फ इसको मैरिनेट करके और जो स्कीवर होता है उसमें लगा के तवे पर सेक कर पूरा रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर टिक्का बना सकते हैं, बट मैंने इसको रोटी के संग खाने के लिए बनाया था। वैसे ये पनीर टिक्का मसाला नान के साथ बहुत अच्छा लगता है और आपको मेरे चैनल पर नान की रेसिपी भी मिल जाएगी। तो बस जितनी भी वेजीज मैंने काटी थी वो अब आप इसमें बेल पेपर्स भी डाल सकते हैं, जो लाल और पीली रंग की शिमला मिर्ची भी होती है, उससे थोड़ा कलरफुल लगता है। हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं था इसलिए सिर्फ ग्रीन वाली डाली है, और ज़रा सा मैंने डाला है गरम मसाला पाउडर और 1/2 टीस्पून के करीब मैंने डाला है काली मिर्च का पाउडर। बस अच्छे से सबको मैंने मिक्स करके यहाँ रख दिया है और यहाँ डाल रही हूँ राइस ब्रैन ऑयल। तो जो सरसों तेल है उसको गरम करके उसी टाइम मैंने डाला है और इसको बना रही हूँ मैं राइस ब्रैन ऑयल में। तो बस तेल गरम हो गया है तो इसमें डाल रही हूँ मैरिनेट की हुई वेजीज। तो जितना भी मैंने मैरिनेट करके रखा था डालने के बाद मैं इसको एक मिक्स दे रही हूँ, और इसको स्लो गैस पर ढक कर आप इस तरह भी पका के खा सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल जैसे रेडी टू ईट जो होता है वो रहता है। गैस को कर दी मैंने स्लो और 5-7 मिनट पकाया है। ये देखिए इस तरह से भी आप खा सकते हैं, बट मैंने थोड़ी सी ग्रेवी की है इसमें क्योंकि काफ़ी लोग थे तो इसमें कुछ भी नहीं होने वाला था। और बस देखिए इसकी शक्ल बहुत बढ़िया लगता है और इस तरीके से भी आप खा सकते हैं। और यहाँ मैंने चढ़ाया है एक बर्तन और उसमें मैंने राइस ब्रैन ऑयल ही दोबारा से डाला है, जीरा डाला है और ये 2 प्याज को मैंने बिल्कुल चॉपर में चॉप कर लिया है, बिल्कुल जो फाइनली चॉप होता है वो। तो बस इसमें हल्का सा नमक डाल रही हूँ ताकि जो प्याज है वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाए, गोल्डन ब्राउन हो जाए। उसके बाद में फिर चॉपर में मैंने कुछ वेजिटेबल्स को चॉप किया है, जैसे कि टमाटर है तो इसमें टमाटर जाता है थोड़ा ज़्यादा सा, और अभी ये छोटे छोटे टमाटर आ रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले तो इससे भी छोटे आ रहे थे, फ़िलहाल मैंने 3 से 4 टमाटर लेके इसमें चॉप कर लिए हैं।
तो प्याज यहाँ पर हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो गई है और सॉफ्ट भी हो गई है, तो टमाटर डाल रही हूँ और सेम इसमें मसाला जाएगा जो मैरिनेशन में गया था। तो बस जीरा पाउडर मैंने यहाँ पर दोबारा से नहीं डाला है क्योंकि उसका जो टेस्ट है वो थोड़ा ज़्यादा जैसे निखर के आता है और खुशबू भी उसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इसलिए हल्दी धनिया मिर्ची पाउडर फिर से डाला है, हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, फिर से हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने डाला है कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, हल्का सा पानी डाल के इसको ढका है ताकि मसाला जले ना और अच्छे से मसाला पक भी जाए। तो बस 3 से 4 मिनट स्लो गैस पर मैंने ढक दिया था और अब इसको अच्छे से इस तरह से मैश कर लीजिए मसाले को। तो ऑयल भी यहाँ रिलीज हो गया है और मसाला भी बहुत अच्छे से भुन गया है, तो अब इसमें डालूंगी पनीर टिक्का जो कढ़ाई में बना के रखा है। अगर आप पनीर पसंद करते हैं तो ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ईजी है। तो आप इसको कढ़ाई में भी बना सकते हैं और स्क्यूअर में तो बना ही सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। मैंने तो नॉर्मल रोटी के साथ ही सबको खिलाया है, खुद भी खाया है, तो बहुत अच्छी बनी थी सब्जी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, रेस्टोरेंट के भी टेस्ट को बीट करती है, इतनी बढ़िया बनती है। बस उसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा पानी को घोल के डाला है क्योंकि मुझे हल्का सा ग्रेवी चाहिए था, और हिसाब से मैं नमक डाल रही हूँ, थोड़ा सा गरम मसाला डाला है मैंने और फिर से थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल रही हूँ। तो ये यहाँ बन के सब्जी बिल्कुल रेडी है, बस एक बॉयल आ जाए और उसके बाद में आप कंसिस्टेंसी देख लीजिए, अगर आपको भी ग्रेवी वाली बनानी है तो। बस उसके बाद हरा धनिया डाल के इसको गार्निश कर देंगे और सब्जी बिल्कुल रेडी है। तो कभी कोई गेस्ट आ जाए या बच्चे ही पसंद करते हैं या हमें भी बहुत पसंद होती है तो आप इजीली बना सकते हैं, जो अवेलेबल रहता है घर में सामान बस उसी से बना है। एक्स्ट्रा में मैं इसमें बस अच्छे टेस्ट के लिए जो अमूल फ्रेश क्रीम होती है वो 1 चम्मच के करीब डाल रही हूँ, ऑप्शनल है बट डालेंगे तो टेस्ट अच्छा आएगा, और अगर आपके घर में मलाई हो तो उसको भी आप फेंट के डाल सकते हैं। तो सब्जी यहाँ बन के हो गई थी रेडी। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग यानी कि शनिवार की सुबह। तो बस वो सब्जी बनाने के बाद में, उसके बाद मैंने शुक्रवार को कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि मेरी बेटी आने वाली थी, इस वजह से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। और यहाँ मैं आपको तरीका बता रही हूँ क्योंकि कमेंट सेक्शन में कमेंट बहुत आता है कि आपकी तुलसी बहुत ही हरी भरी है तो आप कैसे सेवा करते हैं, कैसे सही है तुलसी, तो उसका तरीका मैं आपको बताऊँ। तो सबसे पहले तो जो मंजरी इतनी सारी जो निकल जाती हैं इसको 2 पत्ते के साथ में निकालना बहुत ज़रूरी है जो उसमें अटैच रहते हैं। तो मंजरी भी तोड़ने से पहले आपने जैसा देखा मैंने सबसे पहले क्षमा याचना की है और वृंदा महारानी जी से आज्ञा मैंने ली है कि मैं जो वो है मंजरी उसको मैं तोड़ूंगी। तो अगर नारायण भगवान को भी आपको चढ़ाना है और घर में तुलसी अवेलेबल नहीं है तो इस तरीके से आप क्षमा याचना करके और उनको बोलिए कि नारायण भगवान को अर्पित करना है इसलिए मैं तोड़ रही हूँ। तो ये मैं ज़रूर करती हूँ इस तरीके से, और सारी मंजरी जैसे जैसे निकल जाती है सप्ताह में एक बार ज़रूर से तोड़ के और हटा देती हूँ, यानी कि उसके जो बीज होते हैं वो मैं निकाल के
पौधे में ही डाल देती हूँ, तुलसी के पौधे में, जैसे मैंने कई बार आपको बताया भी है। तो बहुत सारी मंजरी हो गई थी, एक सप्ताह में काफ़ी सारी निकल जाती हैं, ये देखिए। तो ये जो पत्ता लगा हुआ है ना, ये तो थोड़ा सा बड़ा टूट गया है, ये जो दो पत्ते लगे रहते हैं मंजरी में, तो इसके समेत ही मंजरी हमेशा तोड़ा कीजिए। इससे क्या है कि तुलसी का पौधा बिल्कुल बूशी रहता है, बिल्कुल हरा भरा रहता है। और मंजरी अगर आप नहीं तोड़ेंगे तो फिर वो बढ़ेगा नहीं। मंजरी निकलने का मतलब ही यही है कि तुलसी का पौधा और बढ़ेगा नहीं, इसलिए मंजरी को हटा दिया कीजिए। तो रविवार के दिन मत तोड़ा कीजिए और एकादशी में मत तोड़ा कीजिए। ये मैंने पहले भी आपसे शेयर किया है। और हमेशा ट्राई कीजिए कि बड़ा आप गमला लें जिसमें आप तुलसी का पौधा लगाएं, क्योंकि तुलसी का पौधा अंदर से बहुत जड़ जैसे फैलती है। और बड़े गमला में लगाने से क्या होता है कि तुलसी का पौधा बहुत अच्छा घना होता है, हरा भरा होता है। तो बस जो मैंने बीज निकाले थे मंजरी में से, वो मैंने तीनों पौधे में डाल के और वाटरिंग कर दी है। तो मैं ऐसे ही सेवा करती हूँ। और आपको हर महीने इसमें खाद डालने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसी तरीके से अगर आप रखेंगे तो बिल्कुल आपका तुलसी का पौधा बिल्कुल हरा भरा बना रहेगा। और यहाँ मेरी पूजा सुबह वाली हो गई थी संपन्न। राम राम जी आप सभी को, सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और अभी कौन आने वाला है पता है? बेटी आ रही है मेरी। मेरी बेटी की शादी पक्की हो गई है, दिसंबर में शादी है, तो आप सबको भी ले चलूँगी शादी में। और कल ही आई है रात में, तो डायरेक्ट मम्मी के घर पे ही गई है। उसी के लिए मैंने पनीर जो बनाया था वो भेज दिया था। अब आएगी साथ में, चाय नाश्ता वगैरह करेंगे। सो भाई मैं सास बनने जा रही हूँ सास बनने जा रही हूँ मैं। मेरी बेटी की शादी पक्की हो गई है, मतलब जब से डेट फिक्स हुई है ना, तब से चेहरे से मुस्कुराहट गई नहीं है। अब ऐसे लग रहा है जल्दी दिसंबर आए, जल्दी आए। पूजा तो हो गई है, जा रही हूँ चाय चढ़ाऊंगी। अब उसको कॉल करूंगी कि नींद पूरी हो गई है, तो अब आ जा, मम्मी भी आएंगी, तो साथ में ही बैठ के चाय पियेंगे। तो बस वो आने ही वाली थी, मैंने कॉल किया कि तेरी नींद पूरी हो गई है तो आ जा अब, तो बोला मैं आ रही हूँ। तो जल्दी जल्दी ये जो कपड़े हैं, बस उसी को मैं तय बना ही रही थी कि ये लोग आ गए। और देखिए मेरी बेटी आ गई, इसी की शादी है। आप पहले भी मिले हैं, स्नेहा से और प्यार से हम उसे जूही बोलते हैं। हमारी दुल्हनिया जिसकी शादी पक्की हो गई है। सो बस अब तो दिसंबर आने से पहले ही घर में बिल्कुल चहल पहल रहेगी, जैसे शादी जैसा माहौल। और अभी आई हुई है तो ज़रा मार्केटिंग वगैरह भी हम लोग करने जा रहे हैं, जैसे कि शादी में क्या पहनेगी, और जो लेन देन का जो रहता है कपड़े लत्ते जो दिए जाते हैं, तो वो अभी से ही स्टार्ट हो गया है, क्योंकि अब दिसंबर में ज़्यादा समय है नहीं। और शादी की जो अरेंजमेंट है, वो भी बिटिया की शादी की, तो वो बहुत पहले से करनी पड़ती है। और देखिए एस्ट्रो कितना खुश हो रहा है जूही को देख के। आपको पता है मेरी दीदी और जूही दोनों बहुत डरते थे डॉगी से, बट एस्ट्रो का जो नेचर है, बस उसको देख के इन लोगों का डर ख़त्म हो गया है। तो एस्ट्रो को ये लोग बहुत प्यार करते हैं, स्पेशली मेरी दीदी तो बहुत ही प्यार करती है एस्ट्रो को। बस यहाँ बैठे हैं, और संध्या मासी भी आ गई थी, तो संध्या मासी ने चाय बनाई है और फिर मैंने तैयारी की है नाश्ते की। तो यहाँ ये बहुत ही अच्छी रेसिपी आपको दे रही हूँ, पूरी फुल ऑफ वेजिस के साथ में जो सैंडविच बनाते हैं। बस मैंने इसमें अलग से थोड़ा सा मेयोनीज डाला है, अगर आपको नहीं डालना हो तो आप मत डालिएगा, टोटली अप टू यू। तो बस तीन से चार मेरे पास में ये चीज़ की स्लाइस थी, बस उसको डाल के मैंने और माइक्रोवेव में 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर लिया था, तो वो थोड़ी जैसे कि सॉफ्ट हो जाएगी, तो बहुत ज़्यादा चीज़ डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और इसमें मैंने ले लिया है प्याज है, खीरा है, और शिमला मिर्ची है, और टमाटर अलग से मैंने करके बाद में डाला है। और ये देखिए पार्सल आया है, और इस पार्सल की ओपनिंग कर रहा है एस्ट्रो बाबू।
तो एस्ट्रो ने काफ़ी ट्राई किया पार्सल खोलने का, बट खोल नहीं पाया। एट लास्ट आंचल ने खोला है और ये आया है जो कपड़ा सुखाने वाला स्टैंड मैंने मंगाया था। तो इसको मैं इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली थी, मगर वीडियो इतना ज़्यादा लेंदी हो गया है कि आने वाले ब्लॉग में आपको शेयर करूँगी इसका फीडबैक। और यहाँ मैंने जो चीज़ है उसको मेल्ट कर लिया था माइक्रोवेव में, और जितनी भी वेजीज़ हैं वो डाल दी है, और ये ज़रा से कॉर्न जो हैं इसको मैंने बॉयल कर लिया था तो वो भी डाल दिया है। और अब डालूँगी एक छोटा सा टमाटर। टमाटर बहुत ज़्यादा इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो क्या है ना, फिर थोड़ा पनीला पनीला टाइप का हो जाएगा। तो थोड़ा ही डाला है और मैंने उसका थोड़ा बीज भी निकाल दिया था ताकि ज़्यादा पानी पानी ना हो। बस ये डालने के बाद में मैंने हरा धनिया ऑब्वियसली मैं डालूँगी, ओरिगैनो, चिल्ली फ्लेक्स और काली मिर्च का पाउडर। तो काली मिर्च का पाउडर चीज़ के साथ बहुत अच्छा इसका कॉम्बिनेशन है, टेस्ट अच्छा आता है। हल्का सा नमक डाला है क्योंकि जो मेयोनीज़ है और चीज़ है दोनों में ही नमक रहता है, तो ये एगलेस वाली जो मेयोनीज़ है यही मैंने 2 चम्मच पूरी अच्छे से भर के डाली है, ताकि काफ़ी लोग हैं सैंडविच खाने के लिए, रितेश भी आने वाला था तो ये सबके लिए ही बनाई है मैंने। और ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत अच्छी बनी थी। स्पेशली देखिए, खाली बच्चों को नहीं बड़ों को भी बहुत पसंद आएगी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आई, बहुत ज़्यादा। तो कभी कभी 2-3 महीना में थोड़ा सैंडविच का जो मेयोनीज डाल के मैं बनाती हूँ बच्चों के लिए, तो एक सैंडविच तो भाई मैं भी खा लेती हूँ, बहुत अच्छी लगती है। और डायरेक्ट ही मैं इसको ब्रेड के ऊपर मैं अप्लाई कर रही हूँ, कोई मैंने अंदर बटर नहीं लगाया है, बट बाहर मैं बटर लगा कर ही तवे पर सेकूँगी। आपके पास सैंडविच मेकर हो तो उसमें सेक लीजिएगा। तो यहाँ मैंने हल्का हल्का सा ये अमूल बटर है वो लगाया है, और चार चार ब्रेड की सैंडविच मैंने एक बार में करके सेकी है। और फिर यही हमारा ब्रेकफास्ट था, सैंडविच और चाय। सो उलट पलट करके मैंने तब तक सेक लिया है जब तक बिल्कुल ऊपर से क्रिस्पी नहीं हो गई है ब्रेड। अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है। अगर आप नहीं भी सेकेंगे ना तब भी ये सैंडविच अच्छी लगेगी। एकदम सॉफ्ट ब्रेड अगर ताज़ी है तो फिर सेकने की भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ देखिए कितनी बढ़िया लग रही है और सबको पसंद भी आई थी। अब ये वाली सैंडविच क्या है कि इसमें आप बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस पनीर के भी डाल सकते हैं, तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। और जितनी सब्जियाँ आपको डालनी है आप इसमें पत्ता गोभी भी डाल सकते हैं, तो क्रंच और भी ज़्यादा इसमें आएगा। बस यहाँ बैठ के इतना क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है हमने, नाश्ता किया है, और सबने सिर्फ 2-2 ब्रेड की सैंडविच ही खाई थी क्योंकि हैवी भी थी, और एक एक कप हम चाय पी लेते हैं तो बस नाश्ता हो जाता है कंप्लीट। और अगर आपको एस्ट्रो के भौंकने की आवाज़ आ रही है तो वो हमेशा की तरह गेट के बाहर ही है, और मैं दरवाज़ा बंद करके यहाँ वॉइस ओवर कर रही हूँ। उसको मतलब बर्दाश्त नहीं होता है कि मुझे बंद कैसे कर दिया है। बस यहाँ बैठ के हमने हंसी मजाक किया है, काफ़ी देर हम बैठे रहे हैं। उसके बाद में बस जूही के निकलने का समय आ गया था, और वो निकल रही थी अपनी मम्मी के पास जाने के लिए, क्योंकि एयरपोर्ट से वो डायरेक्ट हमारे पास ही यहीं आई थी, और एक रात उसने यहाँ स्टे किया है, उसके बाद वो निकल गई थी। सो चलिए फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, शूटिंग मैंने बहुत सारी की है, बट वीडियो लेंदी होने के कारण 2 पार्ट में आपको शेयर करूँगी मैं।